नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से आ रही है। मेरठ थाना कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह मार्केट के सामने हापुर स्टेशन चौराहे पर एक युवक जहां पर खाना मांगते हुए बेहोश हो गया है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मेरठ थाना कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह मार्केट के सामने हापुर स्टैंड चौराहे पर एक युवक खाना मांगते हुए बेहोश हो गया, जिसके चलते युवक को बेहोश होने के बाद चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। और इस युवक को बेहोश होता देख सिविल डिफेंस कर्मचारी सीमा खान ने अपना कर्तव्य समझते हुए 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन कर इस युवक के बेहोश होने की सूचना दी। सूचना पाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद 108 नंबर एम्बुलेंस हापुड़ स्टैंड चौराहे पर पहुंची और बेहोश पड़े युवक को उठाने की कोशिश भी नहीं की कि ये ड्यूटी है। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 108 नंबर एम्बुलेंस के कर्मचारियों की जो एक बेहोश पड़े युवक को हाथ लगाने की भी जहमत नहीं कर सकते, और वहीं पर मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट भी थे जो सारा वाक्य अपनी कार में बैठे हुए देखते रहे। मैं सिविल डिफेंस से पोस्ट फॉर्डन हूँ टाउन हॉल प्रभाग से। अभी हमारे पास ये बंदा, हम लोग यहाँ ड्यूटी पे बैठे हुए थे तो तभी एक ये बंदा आया और वो खाने का इशारा करने लगा। इतने हम लोग कुछ समझ पाते कि वो पीछे को गिर गया। हम लोगों ने सोचा कि इसने शायद शराब पिया हुआ है। हमने अपने पुलिसकर्मी को बुलाया कि ज़रा इसको देखिए। उन्होंने उसको देखा, पानी वानी भी उसके मुँह में डाला, लेकिन वो फेंट हो चुका था शायद भूख से। हम लोगों के पास खाना भी नहीं बचा था, जबकि हम यहाँ बैठकर बहुत सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास अब खाना भी नहीं बचा था। से मैं 108 नंबर कॉल कर रही हूँ। मैं तब हमने 108 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर पे कॉल किया, 108 नंबर पे तब जाकर आधा घंटा में ये एम्बुलेंस आई है। तब हमारे विनीत जी और त्यागी जी 112 नंबर पे, इन लोगों ने उस बंदे को लेकर एम्बुलेंस में डाला है, जबकि वो एम्बुलेंस वाले अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कोई तैयार नहीं। वो उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने ये कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसको उठाने की। तब हमारे पुलिसकर्मियों ने उसको उठाकर एम्बुलेंस में डाला है। अच्छा, उठाने के लिए एम्बुलेंस वालों ने क्या बोला? उन्होंने ये कह दिया इसको हम नहीं उठा सकते, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है इसे लेकर जाने की। ये हमारे पुलिसकर्मी हापुड़ अड्डे पे ड्यूटी रहते हैं, हमारे विनीत जी और 112 नंबर पे त्यागी जी, इन लोगों ने उसकी हेल्प की है। इन लोगों ने उससे ग्लव्स मांगे कि आप नहीं रख सकते, आप हमें ग्लव्स दिए। इन लोगों ने ग्लव्स पहनकर तब उसको बंदे को अंदर डाला एम्बुलेंस में। आपने कॉल लगाई थी, लगी जी? नहीं, 112 नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ, कोई कॉल वो नहीं। उसके बाद आपने किसको कॉल लगाया? फिर हमने 108 नंबर पे बराबर हम ट्राई करते रहे, वहीं से फिर रिस्पांस आया, लेकिन आधा घंटा में रिस्पांस आया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।